उत्तर प्रदेश में आए दिन अपराध के मामले देखने को मिल रहे हैं। कहीं जमीनी विवाद को लेकर हत्या होती है तो कहीं पुरानी रंजिश को लेकर। मैनपुरी में भी दिन ब दिन क्राइम के मामले सामने आ रहे हैं। आज फिर मैनपुरी के करौली क्षेत्र में एक दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है। दरअसल भांजों ने पिता के साथ मिलकर अपने ही मामा को ईंट से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। मृतक की पत्नी ने आरोपियों के खिलाफ थाने में तहरीर दी। पुलिस ने तत्काल चार लोगों को मौके से हिरासत में लिया। मृतक की पत्नी के अनुसार पिछले कई दिनों से मृतक युवक बसंत कुमार का अपने जीजा और भांजों से लगभग 50 से 1 लाख रुपयों का लेन देन को लेकर विवाद चल रहा है, जिस वजह से आए दिन ग्रह क्लेश होता है। आज फिर उसी बात को लेकर नोकझोंक शुरू हो गई और विवाद इतना बढ़ता गया कि भांजों ने पिता के साथ मिलकर मामा बसंत कुमार को ईंट से कुचलकर मार डाला। बसंत कुमार को परिजन जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। करौली जनपद मैनपुरी का है। इसमें आज एक व्यक्ति को उसके सगे भांजे ने एक से पीछे से सिर्फ वार कर दिया, जिसके कारण वो गंभीर रूप से घायल हो गया था। CHC करौली के बाद उसको जिला अस्पताल रेफर किया गया था, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। मृतक बसंत कुमार का अपने भांजों से और अपने जीजा से कुछ 50,000 से 1 लाख रुपए की लेन देन को लेकर के घरेलू कलह चल रहा था। इसी घरेलू कलह में ये घटना कारित की गई है। इसमें भांजा जो शिवम है उसके द्वारा ईंट से प्रहार करके गंभीर चोट कारित करना प्रकाश में आया है। मृतक की पत्नी ने 5 लोगों के खिलाफ, जो कि इसके मृतक के 3 भांजे हैं, मृतक का जीजा है और मृतक की सगी बहन है, उनके खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया है। इन 5 में से 4 मुलजिमों को तत्परतापूर्वक हमारी करौली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। तथ्यों के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी और इसमें किसी भी दोषी को बख्शा नहीं।